पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैंने बनाया है कुछ स्पेशल कटहल का पकोड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही सब पकोड़ों से थोड़ा हटके है ये। तो आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है इसे। इसके लिए देखिए मैंने लिए हैं कटहल के पीसेस। कटहल को काट के उसके पीस बना के उसे आप धो लीजिए, और इसके बाद हम इसे डालेंगे कुकर में। और देखिए कुकर में डालने के बाद इसमें हम पानी डाल लेंगे। और देखिए इसे बंद करके अब आप एक सीटी लगा लीजिए इसमें, और देखिए बॉईल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है। और इसे अब हम कुकर में से निकाल लेते हैं, इसका पानी अलग कर देंगे। देखिए पानी से इसे छान लेंगे, और ये सारे कटहल को निकाल के एक बर्तन में रख लीजिए। और देखिए बर्तन में रखने के बाद इसे किसी भी चीज़ से मैश कर लीजिए। देखिए मैश होने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा प्याज, और अब डालेंगे बारीक कटी मिर्ची, हरी वाली मिर्ची है ये। और अब इसमें हम डालेंगे, मैंने डाला बेसन, और अब डालेंगे थोड़ा चावल का आटा, हल्दी पाउडर, और एक चम्मच मिर्ची पाउडर, और स्वाद के हिसाब से नमक। और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले ही इसे हमें मिक्स करना है। और देखिए ये पूरा मिक्स होकर तैयार हो चुका है, इस तरह का तैयार हो जाएगा। और अब हम एक पैन में गरम कर लेते हैं तेल, और जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक देखिए इसे बनाना कैसे है। देखिए मैंने कटोरी में यहाँ पानी लिया है, अब पानी में पहले हाथ को गीला कर लीजिए, और अब इसमें से थोड़ा सा डो लेके देखिए इस तरह से बीच में अंगूठे से छेद कर दीजिए। छेद करने से बहुत ही क्रिस्पी बनेगा अंदर से भी। और देखिए इस तरह से सारे बड़े बना लेने हैं। देखिए इसी तरह से सारे पकौड़ों को इसमें डाल दीजिए तेल में। और देखिए अभी गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे हम पलट लेंगे, और इसी तरह से पलटते हुए दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन तल लेना है इसको। देखिए ये सारे पकौड़ों को तल लिया है हमने, कितना अच्छा कलर लग रहा है देखने में, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये, आप जरूर ट्राई कीजिए। और देखिए कितना अच्छा शेप, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल दिल पकौड़े। और आप इसे खाइए, सर्व कीजिए, मीठी चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।